ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथमेश चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कन्या राशि के मासिक राशिफल जून माह के बताने वाली हूँ, पर इससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे चैनल प्रथमेश चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। इसके अतिरिक्त आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको कन्या राशि के आर्थिक स्वास्थ्य और तथा करियर से संबंधित प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन के संबंधित जानकारी देना चाह रही हूँ। आइए जान लेते हैं कुछ कन्या राशि के लोगों के विषय में। कन्या राशि चक्र की छठवीं राशि है। इसका स्वामी बुध है। कन्या राशि के जातक बहुत मेहनती तथा बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। यह हर काम अपनी निगरानी में करना पसंद करते हैं। इनकी नजर से कुछ भी छुप नहीं सकता। ये बहुत व्यवहारिक होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। शायद इसी वजह से इनके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। वैसे ये राशि बहुत फुर्तीली और काम के प्रति वफादार होती है। बात करें इनके करियर की, तो नौकरी में वैसे तो समय अच्छा है, पर अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर चलें, मेहनत करेंगे तो प्रमोशन भी जरूर मिलेगा। कार्यस्थल पर मंगल बुध शुक्र एक साथ हैं, कामयाबी तो मिलेगी ही आपको। साथ ही साथ कुछ सावधानी और समझदारी से चलेंगे तो आपके कार्यस्थल पर आपकी स्थिति और मजबूत होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो सावधानी से चलिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। विदेशों से कोई व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। पार्टनरशिप में धैर्य से काम लें, नहीं तो संबंधों पर असर पड़ेगा और ये स्थिति व्यापार के लिए अच्छी नहीं है। बात करें आर्थिक जीवन की, तो वित्त के मामले में कन्या राशि के लिए समय मिश्रित फल देने वाला है। एकादश भाव में शनि की दृष्टि है और इसकी वजह से कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके कुछ सोचे हुए काम अटक सकते हैं। किसी का पैसा उधार न लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वैसे आप कारोबार सोच समझकर कर पैसा लगा सकते हैं, इसलिए भविष्य में आपको लाभ इससे जरूर मिलेगा। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो सेहत के लिहाज से कन्या राशि का समय मिला जुला रहेगा और कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, पर छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अपने खान पान का ध्यान रखें, योग प्राणायाम करें और अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान दें। सुबह की सैर की आदत बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखेंगे। बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो आपके प्रेम संबंधों के लिए यह समय ठीक नहीं है। शनि पंचम भाव में है और मंगल की दृष्टि है, जो कि आपकी संबंधों में टकराव पैदा करेगी। ये टकराव गंभीर कलह भी बन सकता है, इतना कि आपके संबंध टूट भी सकते हैं। इसलिए संबंध बचाना चाहते हैं तो धैर्य से काम लें और शांति से विवादों को हल करें, नहीं तो गलत फहमियों में आपके संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। वैसे विवाहित जोड़ों के लिए ये समय अच्छा है। पति पत्नी का तालमेल अच्छा रहेगा और वे एक दूसरे के लिए समर्पित भाव से रखेंगे। अगर कोई परेशानी आती भी है तो दोनों मिलकर उसका सामना कर लेंगे। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो जून का महीना कन्या राशि वालों के परिवार के लिए उत्तम रहेगा। गुरु बृहस्पति दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि परिवार का भाव है। गुरु और शुक्र की स्थिति से पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। परिवार का वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा। आपसी मेलजोल अच्छा है। परिवार में मेलजोल बढ़ेगा। सभी मिलजुल कर अपने कार्य करेंगे। आपके भाई बहनों से आर्थिक लाभ हो सकता है। जून महीने में जो भी थोड़ी बहुत कमी है उसको दूर करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं।
आप माँ दुर्गा का की पूजा करें, माता के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें, बुधवार को गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और तुलसी में जल अर्पित करें। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।